लोग बोलते कि नगर सेवक लोग कमीशन खाते, मेरा ये कहना है कि ये जो अधिकारी जो कचरे के इसमें चलते ये अधिकारी कमीशन खाते, ये मेरे को पक्का मालूम है, इनको पैकेट जाते। वार्ड क्रमांक 19 में घंटा गाड़ी कचरा ठेकेदार ने लगाया है वार्ड क्रमांक 19 में। तो वार्ड क्रमांक 19 में हमेशा समस्या बताते रहते लोगों को, हम अधिकारी कर्मचारी सुपरवाइजर इंस्पेक्टर के पर भाग में कचरा उठ नहीं रहा, 8-8, 10-10 दिन गाड़ी आती नहीं। अरे इतने नरगट्टा हो जाए ले, अधिकारी बोलो, एक जो कचरे का ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर है, बार बार कम से कम आज से साल भर पहले एक ट्रैक्टर पकड़ा था, वो ट्रैक्टर में कौन ट्रैक्टर लेती खड़ी थी, फिर भी इनको कोई फर्क नहीं गिरता और अधिकारी लोग इनको कोई पनिशमेंट भी नहीं देते, तो क्या चल रहा। और एरिया में नगर सेवक लोगों को हमेशा तकलीफ दे रहे कि नगर सेवक लोग ख्याल नहीं दे रहे, कमीशन नहीं खा रहे, तो 2.5 साल में आज तक के हमने 1 रुपये का भी खाया होगा तो आराम है, और जो लोगों ने खाया होंगे ना तो उनका नाम लेके बोलने को ना कि ये लोगों ने कमीशन खाए। तो मेरा यही कहना है कि पूरे वार्ड में पूरी साफ सफाई होना चाहिए, और हम बार बार बोलते रहते हैं इंस्पेक्टर सुपरवाइजर बार बार बोल रहे हैं, हाँ भैया कर लेते ना भैया, हाँ भैया कर ले, तो मेरा पूरा निषेध है। इसके लिए आज गाड़ी खुद चला के वार्ड क्रमांक 19 में से वो ड्राइवर को छोड़ के मैं खुद गाड़ी लाया यहाँ पे, और बता रहा है कि नगर पालिका को कितना काला बाजार चल रहा, और ये काला बाजार अभी इसके आगे नहीं ढकने देंगे। अगर कोई घंटा गाड़ी आज हमने यहाँ पे लाए, आगे चल के वो घंटा गाड़ी का और कोई भी कुछ रहा तो उसका क्या होगा, उसका अंजाम ये अपने महानगर पालिका का प्रशासन देखेंगी, और इससे आगे अगर ये बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन लेंगे हम कांग्रेस के तरफ से, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के तरफ से। बिल्कुल महानगर पालिका बोलो या ये जो कचरे का ठेकेदार है कौन है क्या है, इसको पनिशमेंट मिलने को ना, ये मेरे आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट है। जैसे इससे पहले जो आपने गाड़ी और ट्रैक्टर पकड़े थे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की महानगर पालिका ने? महानगर पालिका ने क्या कार्रवाई की ये पता नहीं, पर मैं उस टाइम आयुक्त साहब को चंद्रकांत जाधव साहब को फ़ोन किया था, तो चंद्रकांत जाधव फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वो स्पॉट पे आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने ठाकरे साहब को भेजा, इंस्पेक्टर है अपने भाग का, तो आयुक्त साहब को मैंने फ़ोन किया तो आयुक्त साहब ने चंद्रकांत जाधव को बोला, फिर महेंद्र ठाकरे साहब आए वहाँ पे, फिर उन्होंने पंचनामा किए कि नहीं किए वो पता नहीं, पर कुछ दिन वो ट्रैक्टर वाले को पनिशमेंट मिली थी, पर उसके बाद उन्होंने दंड लगाए नहीं लगाए कुछ ही नहीं। उसके बाद वो ट्रैक्टर का आज तक के मुझे याद है वो दिन की बात, वो ट्रैक्टर का वजन हुआ कायदे से, मतलब जो ट्रैक्टर खाली करना चाहिए था वो ट्रैक्टर का 4,000 के 250 किलो वजन आयल था, और मतलब वजन नहीं होना चाहिए था, वो ट्रैक्टर कहीं भी खाली होना था, उसके वजन के भी पैसे। और एक बात ऐसी है कि आज पूरा शहर का कचरा और गान ये 180 टन या 200 टन बता दे, पर मैं कायदे डायरेक्ट इससे बोलता हूँ, इन्होंने अगर पूरा कचरा उठाए 100 टन भी नहीं आएगा, इतना बड़ा काला बाजार चालू है कि रोज का 80-100 टन का पैसा ये कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा खा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शब्बीर पिंजारी, वार्ड क्रमांक 19 के, मेरी माता जी नगर सेवक है, ये आसिफ मोमिन है, ये नापटन का भाई है हमें पठान। जैसे कि आपके वार्ड में कितनी घंटा गाड़ी चल रही है? हमारे वार्ड में 4 घंटा गाड़ी है, 2 ट्रैक्टर है, पर कभी एक ट्रैक्टर नहीं आता, कभी 2 घंटा गाड़ी नहीं रहती। कम से कम अभी मेरा भाग जो है जाम कमल्ला वार्ड क्रमांक 19 में आता, वो भाग में कम से कम 10-20 घंटा गाड़ी नहीं थी। मैं बार बार सुपरवाइजर को बोला, वो कॉन्ट्रैक्टर का आदमी है मलिक करके, उसको बोला कि घंटा गाड़ी भेज, तो भेजेंगे, हाँ भैया आज कर देना कल कर देना, 10 दिन नहीं, 10 दिन का कचरा आज एक जगह पड़ा था, मैंने आज मुझे एक बोला ट्रैक्टर लाना होता, तो अमन मेडिकल एकदम अच्छा फेमस एरिया है, उसके सामने कम से कम 1-1.5 टन मटेरियल बैठेंगे, इतना मटेरियल पड़ा था तो आज सुबह में मैंने उठाया। जैसे 4 घंटा गाड़ी में पूरा जैसा 19 नंबर वार्ड इतना बड़ा कवर हो जाता क्या आपका? नहीं होता कवर, नहीं कवर होगा, पर इनका जो काड़ा वाले जारी चालू है ये ऐसा वजन कर लेते, और इनको ठेकेदार ने बोला है 1,000 किलो वजन लाएंगे तो जब ही आने का, नहीं तो नहीं आने का, तो ये क्या करते, ये काड़ा बाजारी करते, कचरा उठाना रंदे लोगों को, घरों से कचरा लेना छोड़ देते, और ये पत्थर डालो ईटा डालो मट्टी डालो यही काम करते हैं, हमेशा यही चल रहा। और इन पे मैं बोलता हूँ आयुक्त साहब को बड़े कड़क कार्रवाई होनी को ना। हम लोग वार्ड नंबर 19 की बार बार खबरें लगाते हैं, न्यूज़ लगाते हैं,
सब तरफ गंदगी है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जैसा हर तरफ गंदगी गंदगी है, इसका तो जिम्मेदार पहले से बोलूंगा, अब ये जो आरोग्य अधिकारी है वो उससे लेके तो जो कचरा ठेकेदार है ये लोग जिम्मेदार है। हम बार बार बोलते रहते हैं, बोलते रहने पे उत्ता पुरता उतना एक्शन हो जाती, बाद में जो कि हुई फिर वापस सिरे से जो काम करना है वापस सिरे से लगे रहो। इनके पास ऐसा है, इनको कोई लेना देना नहीं, इनका जो बाजार भरेंगे काला बाजार करके बस वो करने का, कचरा उठो मत उठो अपना पेट भर रहा है ये देखने का। इसके जिम्मेदार लक्ष्मण पाटिल है, सहायक आरोग्य अधिकारी का भी उनको पद है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, वो क्या कैसे काम कर रहे हैं? लक्ष्मण पाटिल साहब का काम तो मैं देखा है अच्छा है, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? अच्छा है उनका काम तो अभी जो है ये जो काम है अभी मैंने उनसे बात किया तो ये बापू जादव तरफ काम है, और ये बापू जादव जो है इनके पहले भी भाग था, पहले भी मैं बापू जादव से बहस किया है, मैं गए महीना 15 दिन के बाद बापू जादव से बहस होती मेरे ये बारे में गाड़ी और तो कार्रवाई ऐसे डाला पायल, गाड़ी और नहीं ये जो कचरा ठेकेदार है ये चाहे और कार्रवाई डाले पायल, यानी फर्स्ट अपन ने सांगितलं कि आम्हाला 1000 किलो चावर वजन पाहिजे, तो माझं असं म्हणणं आहे की यांना असं वजन का पाहिजे, आणि पाहिजे तर मग तुम्ही प्रत्येक घर आज वार्ड क्रमांक 19 मध्ये माझ्यानुसार 10000च्या वर घर असतील, तो एक गाडीवाला जर 2500 घर करेल तर त्यांना 1 टनच्या वर वजन येईलच ना हो, पण हे करतच नाही ना यांना, हे फक्त 50-100-200 घर गेले का गाडी भर गी भैया चले फिर आगे चल के मट्टी डालने का, तो ये बहुत बड़ी इनकी। जैसे बापू जादव से आपकी बार बार बहस हो रही है तो क्या मुद्दे पे हो रही है और क्यों हो रही है? मेरे तो पूरे एरिया में लेके मेरे जो नगर सेवक के साथ में सब लोगों का हमारा साथ में रहता, और सब लोग इनको बार बार कार्रवाई का बोलते रहते, तो बार बार बोलने के बाद बापू जादव का क्या है और समझ में नहीं आता। आज जो लोग बोलते कि नगर सेवक लोग कमीशन खाते, मेरा ये कहना है कि ये जो अधिकारी है जो कचरे के इसमें चलते ये अधिकारी कमीशन खाते, ये मेरे को पक्का मालूम है, इनको पैकेट जाता इसके लिए ये लोग ऐसा काम करते, ये सब धकाते, मतलब 200 टन रोज का जाने का ना 100 टन नहीं भरता हूँ, अगर कायदे से सुबह से अगर मीडिया वाले मेरा सुन रहे होंगे सिर्फ सुबह में मैं अपन लगे तो मैं खुद साथ में रहूँगा वहाँ पे खड़े रहने का, और शाम तक 100 टन ही आएंगा, 200 टन आएंगा ही नहीं।